ਸੁਫੀਆਨ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਫੀਆਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਫੀਆਨ ਭਾਈ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿਆਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਘਰ ਇਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੋਹ ਕਰਾਸੋ ਮੈਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ सही है लेकिन ये शौक के लिए है भाई ये सेल हो चुका है और ये हमारे भाई हैं इन्होंने खरीदा है माशाल्लाह ये देखो हाँ जी भाई आपको पसंद आया ये पसंद आया जी भाई ने खरीद लिया तो ये अभी हम आपके सामने इनको पकड़ा रहे हैं ये इनका परिंदा इन्होंने दे दिया परिंदा भी मिल गया बिल्कुल सही है भाई ये शिकारी हजरात है इन्होंने इनके खरीदा है जाहिर है नहीं जी उसकी बहुत अच्छी एक ये परिंदा जी अच्छा सुफियान भाई ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੀਲ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਸਰ ਜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ ਨਸਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਇਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬ ਹਮ ਤਾਈਓਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਬ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮੂ ਥਾਈ ਬਰਮੀ ਵਤਨਾਮੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ੇ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਤਾਈਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ लेकिन वैसे अच्छे मुर्गे की क्या परेशानी होती है ये बता दें जरा वो इनकी आईज का और इनके यानी कि जोर वगैरह इनकी यानी कि नली वगैरह देखी जाती है सही तो वो यानी कि देखने पड़ते हैं वो जो शिकारी होते हैं उनको यानी कि पहचान होती है इनकी सही है तो ये भाई क्वेश्चन जो है ना अभी उनसे बात की है तो वो उनका कहना यही है कि इसकी बहुत सी नस्लें होती हैं बहुत अकसाम आ गई हैं लेकिन यही है कि हड्डी जोड़ को ले सकते हैं अच्छा जी तो और एक ये आगे मुर्गा है अब ये इसको देखें ये फाइटर है ठीक है मगर ये खरदुंबा है कहीं कहीं इसको पसंद करते हैं कहीं नहीं पसंद करते हैं मगर है ये भी ऐसी है इसकी टांगों के ऊपर ये ज्यादा किल किल किया है ज्यादा ये खरपेल नली खुश्क नली होती है ये अच्छा ये खुश्क नली होती है जी और ये कोई यानी कि इसकी नस्ल में ये चीज़ है हाँ जी ये नस्ली यानी कि हाँ जी बाद होती है ये जो है ना बड़ा नहरे वाला बड़ा अकड़ा हुआ ये बड़ी हैवी चीज है ये फाइटर होते हैं नाग है जी नाग है ये सुफियान भाई का सबसे जो बड़ा बेहतरीन बेनिफिट है ना वो ये है कि इन्होंने बाहर ही ना दरख्त के नीचे अड्डा लगाया हुआ है तो यहाँ से आकर आप अपनी पसंद का परिंदा जो है ना वो खरीद सकते हैं ये हमारे पास इसकी जो यानी कि मादी थी इसकी जो मदर थी वो बेगम नस्ल की थी सही और जो इसका यानी कि बाप था वो यानी कि लसानियों में से था ठीक है ये यानी कि पतियों वाला निकला है ठीक है तो खूबसूरत परिंदा जी ये भी तो हमें फाइट का शौक नहीं हम फाइट करवाते नहीं, नहीं तो जो शिकारी होते हैं उनसे मना करो सर को ये अल्लाह की मखलूक है परिंदे हैं शौक के लिए रखें खूबसूरत लगते हैं जब ये आगे फिरते होते हैं तो दूसरा ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जानवर को या किसी परिंदे को आपस में लड़ा देना ये कोई मुनासिब बात नहीं है